जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं ना, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे, बस हमारी यही दुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी कार्य करने में हमारा मन नहीं लगता, मतलब कोई भी काम करने में हमारा मन नहीं लगता। बेशक हम काम तो कर रहे हैं पर मन नहीं लगता, मन उदास हो जाता, हताश हो जाता, निराशा हो जाती है और हम उस काम को उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते जितनी योग्यता हम में है। हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं, हमारी प्लानिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी हम उससे अच्छे से नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कार्य में हमारे मन का न लगना, उससे हम कैसे सही करें कि कार्य में मन लगे, और ये ऐसा होता क्यों है, और इसके लिए कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से नुस्खे हैं जिससे कि आपको जीवन में कभी भी यह सिचुएशन का सामना न करना पड़े जब आप ऊब जाएं किसी कार्य से या मन नहीं लगता है। इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। तो हम इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं और बातों को और गहराई में ले जाएं, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे जो वीडियो है हमेशा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जय शिव शंभो, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जो भी नाम आपको ईश्वर का लिखना है, भोलेनाथ का लिखना है, वो जरूर लिखें। तीसरी बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो बहुत सारे जातकों को ये जानकारी मिलेगी। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात हमसे कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात कि जब भी मन नहीं लगता है हमारा किसी कार्य में, तब इस सिचुएशन में हमारा जो दिमाग है वो थक जाता है। देखिए, शरीर का थकना तो हम महसूस कर सकते हैं पर दिमाग का थकने से हम किसी भी कार्य में हमारी रुचि जो है वो कम हो जाती है। तो दिमाग का थक जाना ही किसी सबसे पहला सिम्टम है, जो सबसे पहली और सबसे बेसिक है कि दिमाग के थक जाने से ही किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है। तो दिमाग को बहुत रिलैक्स दे। अब दिमाग को मेंटल रिलैक्स देने के लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो है कि चिंताएं जितनी भी है, टेंशन हम लेकर रखें, इनको अब रिलीज़ करें। या तो कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ मतलब कहीं भी फ्री माइंड आप आराम से घूमने जा सकते हैं, या इसको रिलैक्स करने के लिए कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, या कुछ अच्छा यूनिक जिससे कि हमारे दिमाग पर जो प्रेशर है, जो चीज़ों को लेकर हम घबरा रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हम सोचते रहते हैं, उनसे कुछ वक्त के लिए हमारा ध्यान भटके, कुछ समय के लिए ध्यान वहाँ से अलग हो। तो वहाँ से जैसे ही हमारा ध्यान अलग होगा, हमारा दिमाग रिलैक्स करेगा और वो जैसे ही शांत रिलैक्स मूड में आएगा, आपका मन हर कार्य में लगने लग जाएगा। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की है, 24 घंटे आप टेंशन लोगे, 24 घंटे किसी चीज़ को लेकर डूबे रहोगे, उससे ये चीज़ होती है। इसलिए भी प्रोफेशनल के अगर आप 10 से 5 जॉब करते हैं, 10 से 7 रात के 8 बजे तक जॉब करते हैं, जो भी आपका जॉब और घंटे हैं उनमें सिर्फ जॉब तक सीमित रहें, उसके बाद जो आपका निजी लाइफ है वो एकदम डिफरेंट और अलग रहें, तब आपके काम की कोई बात की चर्चा ना हो, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो।